गुड मॉर्निंग नमस्कार सस् शीकाल सबको मैं डॉक्टर भरत कोत्रो फुट एंड वूंड के स्पेशलिस्ट फील डिपार्टमेंट अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल आज हम बात करने जा रहे हैं मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में अबाउट डायबिटिक फुट। कुछ लोगों का ये धारणा है कि नंगे पाँव चलने से उनकी नाड़ियाँ स्ट्रांग हो जाती है और उनको खून की सप्लाई पैरों में बढ़ जाती और उससे शुगर कंट्रोल हो जाता और आँखों की रोशनी बढ़ जाती लेकिन डायबिटीज़ वाले नंगे पाँव नहीं चल सकते क्योंकि जब उनका पैर में सूनापन है पता नहीं लगता है कि किसी भी चोट का किसी भी ठंडे का किसी भी गर्म का और किसी के पेन का तो खो सकता कोई भी चीज़ चुभ सकती है उससे ज़ख्म हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो सकता है दूसरी ये मिथ है कि मैं घर बैठे बैठे मैं तो कितना चलता हूँ मैं नंगे पाँव घर में साफ़ होता है फ़र्श तो कुछ नहीं है बट कोई भी छोटी सी चोट चाहे वो फर्नीचर से ही लग सकती कोई नीचे खिलौना पड़ा हुआ उससे भी चोट लग सकती इसलिए उनको घर में भी प्रोटेक्टिव फुटवेयर पहनने की ज़रूरत है नंगे पाँव नहीं चलने की ज़रूरत है एक और है कि कुछ भी देसी दवाई लाइक कुछ प्याज लगाते नीम पानी से दोना ज़ख्म उससे ज़ख्म ठीक हो जाएंगे और कोई देसी दवाइयाँ एलोवेरा जल लगाते थे ऐसा ना कीजिए क्योंकि हमें नहीं पता उसकी कोई एविडेंस नहीं तो हमें जो प्रॉपर डॉक्टर से परामर्श करके उसका इलाज करवाना चाहिए अब मेरा मेन एम ये अवेयरनेस देने का था कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको एक बार साल में अपना पैर चेक करना ज़रूरी चाहिए क्योंकि वो टाइमली डिटेक्ट करे कि कैसी प्रॉब्लम है उसको टाइमली ट्रीट किया जाता है थैंक यू